वेरी गुड इवनिंग गाइस। आज बात करने वाले हैं हम लोग उन बच्चों की जो कॉलेज में अभी घुस रहे हैं और फर्स्ट ईयर में बेसिकली जा रहे हैं। ठीक है, बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर हम लोग किस तरह से पढ़ाई करें, हम लोगों को कैसे हम लोगों की अप्रोच होनी चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कॉलेज में, क्योंकि मानो न मानो कॉलेज इज ऑल टुगेदर डिफरेंट लाइफ। तो ये चीजें हम लोग इस वीडियो से सीखेंगे, क्योंकि एज अ थर्ड ईयर मेरे को तुम्हारे को कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर कर सकता हूं। अगर मानोगे दोस्त गारंटी फायदे में रहोगे, इस चीज गारंटी है। ठीक है, याद रखेंगे इन चीजों को जनरली अप्लाई किया जाएगा, हर कोई इसको अपने पे ना ले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यार पहली बात हम लोग देखते हैं कि क्या हमें कॉलेज में भी स्कूल की तरह नंबरों के पीछे भागना है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन कहता है नहीं यार। मैं यहाँ पे तुम लोगों को जैक मा की बात बताऊंगा। जैक मा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अभी तक चाइना ने या कहूंगा वर्ल्ड ने प्रोड्यूस किए हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा क्लास के टॉप 3 बच्चों में हो, वो मिडल रेंज में हो जब तक उसके नंबर बहुत बुरे नहीं आते, क्योंकि तभी उसके पास लाइफ में और कुछ एक्सप्लोर करने का टाइम बचेगा। हाँ दोस्त, वो समय आ चुका है जब तुम्हें चीजें एक्सप्लोर करनी है, जब तुम्हें केवल कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना है। हाँ, हम लोग कॉलेज में घुस चुके हैं, केवल लॉ स्कूल में लॉ सब्जेक्ट से तुम पढ़ाई कर रहे हो उसलिए नहीं गए हो। अब करिकुलम बदल चुका है, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट आ चुका है दोस्त। तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारा पूरा ऑलराउंड पर्सनैलिटी कैसी है वो मैटर करेगी कि तुम्हारा फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है, चाहे वो तुम्हारे स्पीकिंग स्किल्स हो, चाहे वो तुम्हारे राइटिंग स्किल्स हो या कुछ भी। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि हमें उन सब चीजों के लिए समय निकालने के लिए कॉलेज में टॉप करने का जो एक इच्छा पहले कर्म पैदा होते हैं उससे शायद थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। क्लियर है? ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, इसी वजह से मैंने कहा था पीपल में डिफर, बिकॉज कुछ लोग कहेंगे कि मुझे टॉप ही करना है कॉलेज में। दोस्त नंबर के होती है इंपॉर्टेंस, बट एक ऐसा इंसान जो कंपैरेटिवली बहुत चीजें सीखा हुआ है, बहुत सारे कोर्सेस किया हुआ है, बहुत सारी कॉम्पिटिशन में फाइट किया हुआ है, वही उस और एक एवरेज डिसेंट मार्क्स है उसके, और दूसरी ओर जिसने ये कुछ नहीं किया और एक उसने सिर्फ और सिर्फ अच्छे नंबर लाए हुए हैं, तुम खुद सोच लो कि तुम किसे एम्प्लॉय करोगे अपनी कंपनी में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 यार, लॉ स्कूल का सबसे बड़ा नियम है एक्सप्लोर। जी हाँ, केवल किताबों से नहीं चिपकना है, तुम्हारे स्कूल में जो तुम्हारे लॉ स्कूल में जो भी कॉम्पिटिशन हो उनको जरूर एक बार ट्राई करना। फर्स्ट ईयर में अगर ऑनलाइन अभी हो तो हो सकता है उतना ना चीजें कंडक्ट हो रही हैं, बट जब भी कॉलेज खुलें तुम्हें जब भी मौका मिले एक बार जरूर उनका स्वाद चखना, उसमें से चूज करना कि तुम्हारे लिए कौन सी चीजें बनी हैं। जरूरी नहीं है हर बच्चा मूड कोट करे, जरूरी नहीं है हर बच्चा डिबेटिंग करे, अपने लिए क्या बेस्ट है वो देखना। ठीक है, और तो और देखो यार, एक चीज है जो मेरे को लगता है मुझे किसी ने फर्स्ट ईयर बताया तो बेस्ट रहता, क्या कि यार एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लॉकडाउन में सीखी, दैट इज स्किल डेवलपमेंट अपार्ट फ्रॉम लॉ फील्ड। ये जो मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं ये अभी उसी का एक पार्ट है। दोस्त किसी भी स्टेज पे हो लाइफ में, कितने भी अमीर क्यों ना हो, कभी भी एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम खराब नहीं होती है, बिकॉज इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। ठीक है, अभी तुम एक स्टूडेंट हो, माँ बाप के पैसों से अपना काम चलाते हो, अगर कोई ऐसा स्किल डेवलप कर लो जिसका तुम्हारे पास समय है, जिसके पास तुम्हारे पास रिसोर्सेस हैं, एक लैपटॉप चाहिए, नेट चाहिए, कुछ नहीं होता है दोस्त, तो क्यों नहीं उसको एक्सप्लोर करना, समय खराब क्यों करना है ना। काफी बच्चे होंगे जो अभी क्लासेस शुरू ले रहे हो, लेना शुरू कर रहे होंगे, एहसास हो रहा होगा कि नहीं यार समय काफी डिस्टर्ब है, मतलब उतना मजा नहीं आ रहा है, मैं इस टाइम कुछ और भी कर सकता हूं, तो उस टाइम प्लीज 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 नेटफ्लिक्स या किसी और चीज पर जाने के बजाय अपने आप को स्किल्ड बनाने पर ध्यान दो। दोस्त कोर्सेस करो, जरूरी नहीं है लॉ के ही हो, अलग अलग तरह के। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, मैंने इवन कंटेंट राइटिंग का कोर्स किया है, क्यों किया, एक्सप्लोर। दोस्त देखो तो क्या पता कुछ नया मिल जाए। मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जो वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं इवन दो वो लॉ फील्ड में है। जरूरी है क्या कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है वही ये सब करे? हमारे पास स्किल्स अगर है, समय 5 साल है दोस्त, 5 साल, 5 big years, तुम जो चाहो वो उखाड़ सकते हो। लास्ट के 1 साल की अपनी मेहनत देख लो ना, तुमने इतनी करी थी उसका आधा भी डाल दो, आधा भी कुछ भी कर जाओगे यार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट
यार सबको सबको थोड़ा सा ध्यान एक्सरसाइज पे देना है। बता रहा हूँ क्यों, बिकॉज यार इसकी इंपॉर्टेंस शायद अभी समझ नहीं आ रही है, आगे जाके समझ में आएगी। इवन साइंटिफिक रिसर्चेस हैज शोन कि 13 टू 14 मिनट्स की एक्सरसाइज पर डे आपके माइंड में ऐसे फिजिकल चेंजेस करती है जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन बेटर होता है। तो वाई नॉट थोड़ा सा समय हम निकाल सकते हैं इस चीज़ के लिए। बिल्कुल याद रखेंगे, जिम जाना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। फिटनेस की डेफिनेशन अपने लिए सेट करो, किसी और पे ध्यान मत दो। फिटनेस इज समथिंग जो तुम्हें तुम्हारे कार्य करने में मदद करे, ऐसा शरीर बने तुम्हारा जिस फील्ड में तुम हो, जो कार्य तुम कर रहे हो उसमें वो मदद करे। बाइसेप्स एंड सिक्स पैक एब्स आर नॉट द डेफिनेशन ऑफ फिटनेस, बी वेरी क्लियर विद दैट। क्लियर हो रहा है? चलो और यार बस इतना कहूंगा कि अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड मत रखना। नेटवर्किंग जो है ना लॉ की सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम आज एग्जांपल के तौर पे अगर जो भी कॉलेज रिव्यूज जिनको तुमने इतना प्यार दिया वो सिर्फ और सिर्फ मेरी नेटवर्किंग की वजह से हैं। आई नो पीपल फ्रॉम एवरी लॉ स्कूल और ये हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग, और इसी वजह से शायद सारी चीज़ें कंडक्ट हो पा रही हैं। तो यार कभी भी याद रखना ये यहाँ नहीं, हम सोशल बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। आइसोलेटेड रह के मत रहना, फ्रेंड्स बनाना, सही फ्रेंड्स बनाना और पूरा इंजॉय करना पूरा, ठीक है? ये सब चीज़ें कुछ याद रखेंगे यार। और इसी सब वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, और हाँ ध्यान रखेंगे।